जय हिंद फ्रेंड्स, माय सेल्फ गौतम गुप्ता। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो पे कंटिन्यू जरूर रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न कराने जा रहे हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर वह क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिस आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आप क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घोड़े की हड्डियों के साथ छह कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है क लोथल, ख कालीबंगा, ग सुरकोतड़ा, घ इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा ग सुरकोतड़ा। दूसरा प्रश्न, धौलाईरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क है हरियाणा, ख है उत्तर प्रदेश, ग गुजरात, घ पंजाब। सही ऑप्शन है ग गुजरात। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? ऑप्शन क है हड़प्पा, ख है मोहनजोदड़ो, ग है लोथल, घ है कालीबंगा। सही ऑप्शन होगा ख मोहनजोदड़ो। चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? ऑप्शन क है मोहनजोदड़ो, ख है लोथल, ग है रोपण, घ कालीबंगा। सही ऑप्शन होगा क मोहनजोदड़ो। पांचवा प्रश्न, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? ऑप्शन क है मृतकों का टीला, ख है महान का टीला, ग है जीवितों का टीला, घ है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा क मृतकों का टीला। छठा प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन क है आरडी बनर्जी, ख है राय बहादुर दाराम सहनी, ग है सर जॉन मार्शल, घ नहीं पता। नहीं पता है तो कमेंट में बताना है। सही ऑप्शन होगा क आरडी बनर्जी। सातवां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन क है लॉर्ड कर्जन को, ख है अलेक्जेंडर कनिंगम को, ग है दयाराम सहनी को, घ है लॉर्ड डलहौजी को। सही ऑप्शन होगा ख अलेक्जेंडर कनिंगम को। आठवां प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन किया था? ऑप्शन क है जॉन मार्शल ने, ख है आरडी बनर्जी ने, ग है दयाराम सहनी ने, घ है एस आर राव ने। सही ऑप्शन होगा ग दयाराम सहनी। नौवां प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन क है गुजरात, ख है पश्चिम बंगाल, घ है राजस्थान, घ है पंजाब। सही ऑप्शन होगा क गुजरात। दसवां प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन क है सिंधु, ख है व्यास, घ है सतलज, घ है रावी। सही ऑप्शन होगा घ रावी। ग्यारहवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन क है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ख है हड़प्पा और लोथल, ग है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, घ है लोथल और कालीबंगा। सही ऑप्शन होगा ग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बारहवां प्रश्न, राखल दास मुनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन क है 1920 ईस्वी, ख है 1921 ईस्वी, घ है 1922 ईस्वी, घ है 1923 ईस्वी। सही ऑप्शन होगा ग 1922 ईस्वी। तेरहवां प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन क है सिंध, ख है व्यास, घ है भुगवा, घ है रावी। सही ऑप्शन होगा ग भोगुआ। चौदहवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ऑप्शन क है दक्षिण, ख है पूर्वोत्तर, ग है पश्चिमोत्तर, घ है मध्य भारत। सही ऑप्शन होगा ग पश्चिमोत्तर। पंद्रहवां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन क है सतलज, ख है सरस्वती, घ है रावी, घ है सिंधु। सही ऑप्शन होगा घ सिंधु। सोलहवां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? ऑप्शन क है कालीबंगा, ख है रोपर, घ है बनावली, घ है लोथल। सही ऑप्शन होगा घ लोथल। सत्रहवां प्रश्न, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? ऑप्शन क है 1921 ईस्वी, ख है 1924 ईस्वी, घ 1927 ईस्वी, घ 1930 ईस्वी। सही ऑप्शन होगा क 1921 ईस्वी। अठारहवां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लकड़ी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन क है लोथल, ख है हड़प्पा, घ है मोहनजोदड़ो, घ है मांडा। सही ऑप्शन होगा ग मोहनजोदड़ो। उन्नीसवां प्रश्न,
हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ऑप्शन क है राजतंत्रात्मक, ख लोकतंत्रात्मक, ग नगरपालिका जैसा, घ गणतंत्रात्मक। सही ऑप्शन होगा ग नगरपालिका जैसा। 20वां प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन क है कनिंगम ने, ख है फ्लिट ने, ग है डीसी सरकार ने, घ है विलियम जोन्स ने। सही ऑप्शन होगा विलियम जोन्स ने, घ ऑप्शन। 21वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन क है पूर्व पाषाण युग, ख है नव पाषाण युग, ग है लौह युग, घ है कांस्य युग। सही ऑप्शन होगा घ कांस्य युग। 22वां प्रश्न, हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। ऑप्शन क है गणेश, ख है शिव, ग है विष्णु, घ है वरुण। सही ऑप्शन होगा ख शिव। 23वां प्रश्न, कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन क है सिंध में, ख है बंगाल में, ग है उत्तर प्रदेश में, घ है राजस्थान में। सही ऑप्शन होगा घ राजस्थान में। 24वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन क है हिंदी, ख है सिंधी, ग है उर्दू, घ है फारसी। सही ऑप्शन होगा ख सिंधी भाषा का। 25वां प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन है क सोना, ख है चांदी, ग है लोहा, घ है तांबा। सही ऑप्शन होगा ग लोहा। 26वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ऑप्शन क है कनिंगम, ख है अर्नेस्ट मैके, ग है सूरज भान, घ है जॉन मार्शल। सही ऑप्शन होगा ख अर्नेस्ट मैके ने। 27वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। क है ऑप्शन कालीबंगा से, ख है लोथल से, ग है हड़प्पा से, घ है मोहनजोदड़ो से। सही ऑप्शन होगा क कालीबंगा से। 28वां प्रश्न, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। क ऑप्शन है चार्ल्स मैसन ने, ख जॉन ब्रॉटन ने, ग विलियम ब्रॉटन ने, घ सर जॉन मार्शल ने। सही ऑप्शन होगा क चार्ल्स मैसन ने। 29वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क है राजस्थान, ख है बिहार, घ है अफगानिस्तान, घ है ईरान। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क ऑप्शन होगा सही राजस्थान। 30वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में चांदी कहाँ से प्राप्त हुआ। क है ऑप्शन क है ईरान, ख है अफगानिस्तान, घ है उपर्युक्त दोनों, घ है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ग उपर्युक्त दोनों, ईरान से भी और अफगानिस्तान से भी। 31वां प्रश्न, भारत में पुरातात्विक विभाग का स्थापना कब हुई। ऑप्शन क है 1861 ईस्वी, ख है 1872 ईस्वी, घ है 1826 ईस्वी, घ है 1921 ईस्वी। सही ऑप्शन है क 1861 ईस्वी। 32वां प्रश्न, भारत में पुरातत्व विषय खोज कराने का निश्चय कब किया गया। ऑप्शन क है 1861 ईस्वी में, ख 1872 ईस्वी में, घ 1826 ईस्वी में, घ 1921 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा ख 1872 ईस्वी में। 33वां प्रश्न, पुरातत्व विभाग की स्थापना होते ही किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन क है अलेक्जेंडर कनिंगम को, ख सर जॉन मार्शल को, घ आर ई एम विलर को, घ पिगट महोदय को। सही ऑप्शन होगा क अलेक्जेंडर कनिंगम को। 34वां प्रश्न, सर जॉन मार्शल को भारत के पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल कब बनाया गया था। ऑप्शन क है 1921 ईस्वी में, ख है 1902 ईस्वी में, घ 1861 ईस्वी में, घ 1872 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा ख 1902 ईस्वी में। 35वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब करी गई। ऑप्शन क है 1924 ईस्वी में, ख 1922 ईस्वी में, घ 1921 ईस्वी में, घ 1902 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा क 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा। 36वां प्रश्न, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख कब किया गया था। ऑप्शन क है 1861 ईस्वी में, ख 1826 ईस्वी में, घ 1872 ईस्वी में, घ 1873 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा ख 1826 ईस्वी में। 37वां प्रश्न, सर्वप्रथम किसे हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई थी। ऑप्शन क है कनिंगम को, ख है दयाराम सहनी को, घ है मार्शल को, घ है जॉन ब्रॉटन को। सही ऑप्शन होगा क कनिंगम को। 38वां प्रश्न, सर्वप्रथम कब हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुई थी। ऑप्शन क है 1861 ईस्वी में, ख है 1826 ईस्वी में, घ 1872 ईस्वी में, घ 1873 ईस्वी में। सही ऑप्शन होगा घ 1873 ईस्वी में।
39वां प्रश्न, किसने 1912 ईस्वी में हड़प्पाई पुरातत्व के आधार पर लेख लिखा है? ऑप्शन क है जेएफ फ्लिट ने, ख है विलियम ब्रटन ने, ग है कनिंगम ने, घ है मार्शल ने। सही ऑप्शन होगा क, जेएफ फ्लिट ने। 40वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस आकार में विस्तृत था? ऑप्शन क है आयतकार, ख है त्रिभुजाकार, ग है पता नहीं, घ वृत्ताकार। पता नहीं है तो कमेंट में आओ। सही ऑप्शन होगा ख, त्रिभुजाकार। 41वां प्रश्न, त्रिभुजाकार में फैला हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? ऑप्शन क है 12,96,600 किलोमीटर स्क्वायर, ख है 12,90,600 किलोमीटर स्क्वायर, घ है 16,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, घ है 13,66,900 किलोमीटर स्क्वायर। सही ऑप्शन होगा क, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। 42वां प्रश्न, हड़प्पा नगर पाकिस्तान के किस जिले में स्थित था? ऑप्शन क है हिसार, ख है गंगानगर, ग है मंटोगोमरी, घ है जम्मू। सही ऑप्शन होगा ग, मंटोगोमरी। 43वां प्रश्न, दासक नदी के किनारे हड़प्पा का कौन सा नगर स्थित था? ऑप्शन क है लोथल, ख है कालीबंगा, ग है कांगेडोर, घ है सुरकोतड़ा। सही ऑप्शन होगा ग, कांगेडोर। 44वां प्रश्न, 1931 ईस्वी में चंद्रद्रोण का खोज किसने किया था? ऑप्शन क है एनजी मजुमदार, ख है सूरज भान, ग है REM व्हीलर, घ है RN स्टीन। सही ऑप्शन होगा क, एनजी मजुमदार। 45वां प्रश्न, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन क है भीलवाड़ा, ख है गंगानगर, ग है जयपुर, घ है नहीं पता। नहीं पता है तो कमेंट में आ जाओ। सही ऑप्शन होगा ख, गंगानगर। 46वां प्रश्न, 1950 ईस्वी में रोपड़ कहाँ स्थित पाया गया था? ऑप्शन क है पंजाब, ख है हरियाणा, ग है गुजरात, घ है उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन होगा क, पंजाब। 47वां प्रश्न, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, में किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन क है सूर्य, ख है छिपरा, ग है हिंडन, घ है गंगा। सही ऑप्शन होगा हिंडन, ग ऑप्शन। 48वां प्रश्न, सरस्वती नदी के किनारे स्थित नगर पाया गया था? ऑप्शन क है कालीबंगा, ख है देसलपुर, ग है बनावली, घ है ये सभी। सही ऑप्शन होगा क, कालीबंगा। 49वां प्रश्न, मांडा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन क है चिनाब, ख है झेलम, ग है रावी, घ है व्यास। सही ऑप्शन होगा चिनाब, क ऑप्शन। 50वां प्रश्न, हरियाणा के जिंद जिले में कौन नगर मिला है? ऑप्शन क है राखीगढ़ी, ख है बनावली, ग है भगवानपुर, घ है मिथानथल। सही ऑप्शन होगा क, राखीगढ़ी। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला ऑप्शन है विशाल अन्नागार जिसको धान्य कोठार भी कहते हैं, दूसरा स्तंभ हाल, तीसरा है सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा विशाल अन्नागार। 52वां प्रश्न, बनावली हरियाणा के किस जिले में मिला है? ऑप्शन क है हिसार, ख है जिंद, घ है भिवानी, घ है कुरुक्षेत्र। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। ऑप्शन सही होगा क, हिसार। 53वां प्रश्न, रेडियो कार्बन विधि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या था? दोस्तों इसका ऑप्शन बहुत बोलने में थोड़ा कठिन होगा, इसलिए आप खुद से आंसर दें। सही ऑप्शन होगा ख, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 54वां प्रश्न, कार्बन 14 विधि का खोज अमेरिकी रसायन शास्त्री बीएफ लिवी द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन क है 1946 ईस्वी, ख है 1944 ईस्वी, ग है 1936 ईस्वी, घ है 1856 ईस्वी। सही ऑप्शन होगा क, 1946 ईस्वी में। 55 प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, कार्बन का अर्ध आयु काल कितना होता है? ऑप्शन क है 5568 प्लस 38 वर्ष, ख है 5658 प्लस 3 वर्ष, ग है 4568 वर्ष, घ है 2568 वर्ष। सही ऑप्शन होगा क, 5568 प्लस 38 वर्ष। 56 प्रश्न, किस पदार्थ के प्रयोग से मानव किसी वस्तु की उम्र की जानकारी प्राप्त करता है? ऑप्शन क कार्बन, ख कोबाल्ट, ग मरकरी, घ निकेल। सही ऑप्शन होगा क, कार्बन। 57वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है? ऑप्शन क है मृतकों का टीला, ख है काली चूड़ियां, घ है सिंध का बाग, घ है नहीं पता। नहीं पता तो कमेंट में आ जाओ। सही ऑप्शन होगा क, मृतकों का टीला। प्रश्न संख्या 58, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन संख्या क हड़प्पा को, ख कालीबंगा को, घ चंद्रद्रोण को, घ मोहनजोदड़ो को।
सही ऑप्शन होगा घ मोहनजोदड़ो को। प्रश्न संख्या 59, सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क है हड़प्पा से, ख है कालीबंगा से, ग है चनुदड़ो से, घ है मोहनजोदड़ो से। सही ऑप्शन होगा घ मोहनजोदड़ो से। 60 प्रश्न, गाड़ी के पहिए मेसोपोटामिया की मोहरे हड़प्पा के किस नगर से मिले हैं? ऑप्शन है क मोहनजोदड़ो से, ख है कालीबंगा से, घ है चनुदड़ो से, घ है हड़प्पा से। सही ऑप्शन होगा क मोहनजोदड़ो से। 61 प्रश्न, RS-37 कब्रिस्तान और लकड़ी का हल के साथ से कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन क है मोहनजोदड़ो से, ख कालीबंगा से, घ चनुदड़ो से, घ हड़प्पा से। सही ऑप्शन होगा घ हड़प्पा से। प्रश्न संख्या 62, चनुदड़ो मोहनजोदड़ो से कितनी दूरी पे स्थित था? ऑप्शन क है 196 किलोमीटर, ख है 263 किलोमीटर, घ है 128 किलोमीटर, घ है 670 किलोमीटर। सही ऑप्शन होगा घ 128 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 63, पीतल की बतख और लिपस्टिक के साथ से कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन क है चनुद्रो से, ख है बनावली से, घ है मोहनजोदड़ो से, घ है रोपण से। सही ऑप्शन होगा क चनुद्रो से। प्रश्न संख्या 64, लोथल से साक्ष्य के रूप में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन क है मोरे, ख है बाली, घ है लिपस्टिक, घ है बंदरगाह। सही ऑप्शन होगा घ बंदरगाह। प्रश्न संख्या 65, गेहूं की भूसी एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन क है मोहनजोदड़ो से, ख है कालीबंगा से, घ है चनुद्रो से, घ है हड़प्पा से। सही ऑप्शन होगा घ हड़प्पा से। प्रश्न संख्या 66, कालीबंगा से मिले साक्ष्य हैं? ऑप्शन क है मूर्ति, ख है अग्निकुंड, घ है लिपस्टिक, घ है बंदरगाह। सही ऑप्शन होगा ख अग्निकुंड। प्रश्न संख्या 67, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन क है काला सांड, ख सिंध का बाग, ग मृतकों का टीला, घ काली चूड़ियाँ। सही ऑप्शन होगा घ काली चूड़ियाँ। प्रश्न संख्या 68, बनावली से प्राप्त साक्ष्य हैं? ऑप्शन क है लकड़ी की नाली, ख है स्नानागार, ग है मछली पकड़ने का कांटा, घ है अग्निकुंड। सही ऑप्शन होगा ग मछली का कांटा। प्रश्न संख्या 69, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है क सुरकुटड़ा से, घ बनावली से, घ मंडा से, घ राखीगढ़ी से। सही ऑप्शन होगा क सुरकुटड़ा से। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? ऑप्शन है क तांबा, ख सेलखड़ी, घ कांसा, घ लोहा। सही ऑप्शन होगा ख सेलखड़ी। प्रश्न संख्या 71, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन है क नवपाषाण युग, ख ताम्र युग, घ कांस्य युग, घ पुरापाषाण युग। सही ऑप्शन होगा ग कांस्य युग। प्रश्न संख्या 72, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है क व्यापार, ख है पशुपालन, घ है शिकार, घ है कृषि। सही ऑप्शन होगा क व्यापार। प्रश्न संख्या 73, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन क है ग्रामीण, ख है शहरी, घ है खानाबदोश, घ है जनजातियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। सही ऑप्शन होगा ख शहरी। प्रश्न संख्या 74, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन क है लकड़ी से, ख है बांस से, घ है ईंट से, घ है पत्थर से। लाइक जरूर करें दोस्तों। ऑप्शन नंबर ग ईंट से। प्रश्न संख्या 75, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन क है मुद्राएं, ख है कांसे के औजार, घ है जौ, घ है कपास। सही ऑप्शन होगा घ कपास। प्रश्न संख्या 76, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसको बंदरगाह कहा जाता है कौन सा था? ऑप्शन क है कालीबंगा, ख है लोथल, घ है रोपण, घ है मोहनजोदड़ो। सही ऑप्शन होगा ख लोथल। प्रश्न संख्या 77, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन क कालीबंगा, ख हड़प्पा, घ चनुद्रो, घ लोथल। सही ऑप्शन होगा घ लोथल। प्रश्न संख्या 78,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन क है हड़प्पा सभ्यता, घ सिंधु सभ्यता, घ सिंधु घाटी सभ्यता, घ इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा क हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 79, सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन क हड़प्पा को, ख मोहनजोदड़ो को, ग कालीबंगा को, घ लोथल को। सही ऑप्शन होगा ख मोहनजोदड़ो को। प्रश्न संख्या 80, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन क है चन्हुदड़ो, ख है मोहनजोदड़ो, घ है कालीबंगा, घ है बनावली। सही ऑप्शन होगा ग कालीबंगा। प्रश्न संख्या 81, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन क है पंजाब, घ है सिंध, घ है गुजरात, घ है उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। सही ऑप्शन होगा ख सिंध। प्रश्न संख्या 82, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? ऑप्शन क है मोहनजोदड़ो में, ख है हड़प्पा में, घ है लोथल में, घ है कालीबंगा में। सही ऑप्शन होगा क मोहनजोदड़ो में। प्रश्न संख्या 83, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन क है आधा शिव, ख है आद ब्रह्मा, ग है आद विष्णु, घ है आद इंद्र। सही ऑप्शन होगा क आद शिव। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन क है कालीबंगा, ख है रोपण, ग है बनावली, घ है लोथल। सही ऑप्शन होगा घ लोथल। प्रश्न संख्या 85, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन क है नगर नियोजन के लिए, ख है आकार के लिए, ग है खेती के लिए, घ है उद्योग के लिए। सही ऑप्शन होगा क नगर नियोजन के लिए। प्रश्न संख्या 86, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन क है हड़प्पा, ख है मोहनजोदड़ो, घ है लोथल, घ है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ग लोथल, जो कि गुजरात में है। प्रश्न संख्या 87, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? ऑप्शन क है हड़प्पा, ख है मोहनजोदड़ो, घ है पंजाब, घ है सिंध। सही ऑप्शन होगा क हड़प्पा। प्रश्न संख्या 88, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन क है चिनाब, ख है हिंडन, ग है रावी, घ है सिंधु। एक बार फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्शन क सही होगा चिनाब। प्रश्न संख्या 89, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन क चिनाब, ख सतलुज, ग रावी, घ सिंधु। सही ऑप्शन होगा ख सतलुज। प्रश्न संख्या 90, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन क है धौलावीरा में, ख लोथर में, ग कालीबंगा में, घ आलमगीरपुर में। सही ऑप्शन होगा क धौलावीरा में। प्रश्न संख्या 91, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन क है लाल, ख है हरा, घ है पांडू, घ है नीला। सही ऑप्शन होगा क लाल। प्रश्न संख्या 92, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? ऑप्शन क है पंजाब में, ख है राजस्थान में, घ है सौराष्ट्र में, घ है उत्तर प्रदेश में। सही ऑप्शन होगा ग सौराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 93, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन क है लॉर्ड मैकाले, ख है सर जॉन मार्शल, घ है लॉर्ड क्लाइव, घ है कर्नल टॉड। सही ऑप्शन होगा ख सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 94, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन क है आत्मा और ब्रह्मा में, ख है कर्मकांड में, ग यज्ञ प्रणाली में, घ मातृशक्ति में। सही ऑप्शन होगा घ मातृशक्ति में। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन क है सुरकोटड़ा, ख है लोथल, ग है बालाकोट, घ है कोट दीजी। सही ऑप्शन होगा घ कोट दीजी। प्रश्न संख्या 96, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन क है आयतकार पद्धति में, ख है गोलाकार आकृति में, ग है ग्रिड पद्धति में, घ है त्रिभुजाकार आकृति में। सही ऑप्शन होगा ग ग्रिड पद्धति में। प्रश्न संख्या 97,
हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन क है सोना एवं चांदी से, क है तांबा एवं कांसा से, घ है टीन एवं शीशा से, और घ है लोहा से। सही ऑप्शन होगा लोहा से, घ ऑप्शन। प्रश्न संख्या 98। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन क होगा सिंडन, ख होगा कॉटन, ग है क एवं ख दोनों, घ है नहीं पता। नहीं पता तो कमेंट में आ जाओ। ऑप्शन क सही है सिंडन। प्रश्न संख्या 99। हड़प्पा के काल का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन क है राखीगढ़ी, ख है कुणाल, घ है दैमा बांध, घ है बनावली। सही ऑप्शन होगा ग, दैमा बांध। प्रश्न संख्या 100। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन क है कुंतासी, ख है लोथल एवं सुतकांगेडोर, ग है अलादीनो एवं बालाकोट, घ है इनमें से सभी। सही ऑप्शन होगा घ, इनमें से सभी। वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो का सूचना आपको पहले मिले, क्योंकि अगला 100 प्रश्न का टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन।